Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma alhimna rushdan wa a'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Aqeede ka bayan. Aaj hamari ye bunyadi nishist apne aqeede ke islah ke hawale se hai. अगर हम अकीदे का लफ्ज़ देखें तो अकीदे के लफ्ज़ का रूट वर्ड है आइन ऑफ दाल. अकदा का मतलब बुनियादी तौर पर है गिरा, और अकदा का मतलब है गिरा लगा देना, नॉट लगाना, गिरा लगा देना अकदा का मतलब है. अकदा कहते हैं अगर आइन के बाद अलिफ़ का इजाफा कर दिया जाए तो उसका मतलब होते किसी मुआहिदे को, किसी वादे को, किसी पैक्ट को गिरा लगाकर मजबूत कर देना, यानी पक्का मुआहिदा कर लेना. ये आकदा का मतलब है. इसी तरह अगर अरबी ज़बान में देखा जाए तो अकदा के हवाले से अकदल यमीन का मतलब होता है कसम को पक्का कर लेना या कसम के ऊपर गिरा लगा देना. और अरबी ज़बान में अगर हम देखें तो अक़द अल हबल कहते हैं उस वक्त को जब एक रस्सी के ऊपर गिरा लगा दी जाती. अगर आप गिरा के हवाले से देखें तो गिरा का मतलब क्या होता है और गिरा क्या चीज़ होती है. गिरा वो चीज़ होती है जो दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ को क्या करती है, मजबूत कर देती है, पक्का कर देती है. अकीदा शरई इस्तिलाह में अगर हम अकीदे की बात करें तो अकीदा शरई इस्तिलाह में कुछ चीज़ों पर पुख्ता और पक्का यकीन कर लेने को शरई इस्तिलाह में अकीदा कहा जाता है. कोई शख्स दीने इस्लाम में दाखिल होने के बाद अपने ख्याल, अपने सोच, अपने राय किसी ख़ास चीज़ के हवाले से उस पर जब पुख्तगी की गिरा लगा देता है और पक्के तरीके से उस चीज़ पर ईमान ले आता है और उस पर पुख्ता यकीन कर लेता है तो अकीदा उस पुख्ता यकीन को कहते हैं शरई तौर पर जो दीन इस्लाम में दाखिल होने के बाद किसी चीज़ पर आता है. तो गोया अकीदा दीन इस्लाम में दाखिल होने के बाद वो चीज़ है जो ईमान को पक्का और पुख्ता कर देती है, जो दीन इस्लाम को मजबूत कर देती है और जो इंसान के दीन के अंदर रहने को मुस्तहकम और यकीनी बना देता है. ये है अकीदा. गोया अकीदा दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, उसकी जड़ भी है, उसका एक रुकन भी है, उसका सतून भी है, और इन तमाम चीज़ों के बगैर क्या है, इमारत की तामीर नहीं हो सकती. तो गोया अकीदा वो बुनियादी चीज़ है जो ईमान, इस्लाम और दीन को तकवीयत देती है और मजबूत करता है. इसके बगैर ईमान और इस्लाम का तसव्वुर गैर मुस्तहकम भी है, कमज़ोर भी है, नापायदार भी है और यकीनी भी है. अकीदे के हवाले से जब बात होगी इन दिनों में तो बुनियादी तौर पर हम बात करेंगे चंद अकायद पर, अकीदा तौहीद, अकीदा रसालत और अकीदा आखरत. अकीदा आखरत में सिफारिश और शिफात का तसव्वुर जो है वो उस पर बात होगी, और रसालत और तौहीद के हवाले से हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे. तो आज के नशिस्त में जो हमारी बात है वो बुनियादी तौर पर तौहीद के हवाले से है कि तौहीद क्या है, अल्लाह का हुक्म तौहीद के हवाले से क्या है, तौहीद को मानने का असर क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, तौहीद पर ईमान लाना और अकीदा तौहीद के अंदर दाखिल हो जाना और अपने अकीदे के तौहीद को मजबूत कर लेने की फजीलतें क्या हैं, उससे क्या फ़ायदा है, क्या मिलेगा, और फिर ये कि तौहीद बुनियादी तौर पर है किस शक्ल में और क्या तसव्वुर है तौहीद का. तो आज बुनियादी तौर पर हम तौहीद पर बात करेंगे, और जब हमें तौहीद समझ आएगी तो तौहीद की नफी शिर्क का तसव्वुर ज़्यादा आसानी से समझ आएगा. इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम शिर्क पर बात करेंगे. तौहीद का रूट वर्ड है वाव हा दाल, और मेरा ख्याल है आप सब जानते हैं कि वाहिद किसको कहते हैं, अकेले को. एक अकेला वाहिद है. वाहदा का मतलब है अकेला होना
और वाहिद अकेला है। इसी तरह वाहदा युवाखिदु तौहीद, ये बाब तफील है। कुछ लोग अगर ग्रामर को जानते और समझते हैं तो उसके हवाले से मैं ये बताती चली हूँ कि वाहदा का मतलब है कि एक ही बना लेना, एक ही कर देना, बहुत सी चीज़ों को जमा करके एक वाहिद चीज़ बना लेना, ये बुनियादी तौर पर क्या है, ये तौहीद है। मसलन आप देखें कि इस कायनात का एक बनाने वाला है, एक रिस्क देने वाला है, एक खालिक है, एक मालिक है, एक रब है, लेकिन इन तमाम सिफात को एक ज़ात के अंदर जमा कर देना, तमाम सिफात को, तमाम इख्तियारात को, तमाम इबादात को एक ज़ात के साथ जम करके, एक ज़ात के साथ एसोसिएट करके, एक अकेली ज़ात के साथ इनको मिला देना, ये तौहीद है। अगर हम देखें तो तौहीद हुक्म खुदावंदी है। अगर आप सभी जाने तो इस्लाम के दायरे में जब एक इंसान दाखिल होता है तो पहला अमल जो कहा जाता है, वो पहला कलमा जो प्रोनाउंस किया जाता है, कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा क्या है, ये तौहीद है। और याद रखिए कि ये तौहीद अल्लाह सुभाना ताला का हुक्म है। इस पर माने बगैर ये फरीज़ा दीन, वो सतून दीन, वो रुकन दीन है जिसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं होगा। और ये पहला हुक्म खुदाबंदी है जिस पर ईमान लाए बगैर दीन का आगाज ही नहीं होता। अल्लाह सुबहान ताला ने कुरान में दो रस्ते दिखाए। अल्लाह ने फरमाया हदैना हुन नजदैन, मैंने इंसानों को जब इस दुनिया में इम्तिहान गाह में, आजमाइश गाह में भेजा है तो मैंने उनको दो रस्तों की निशानदेही की है, एक रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है और एक रास्ता जो जहन्नम की तरफ जाता है। तो तौहीद वो अमल है जो जन्नत की तरफ ले जाने वाला अकीदा है, और शिर्क उसकी नफी जो है वो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला का रवैया और तरीका है। अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 में फरमाया वालम कि तुम जान लो, फालम तुम जान लो, अन्ना हु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात को, हतमी बात को जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं। ये इल्म है जो अल्लाह सुभान व तआला ने अपने कुरान में मैं एक बार नहीं बार बार बता दिया। और तौहीद वो चीज़ है जिसकी गवाही अल्लाह सुभान व तआला ने खुद दी है। अल्लाह सुभान व तआला खुद कुरान में अपनी तौहीद की गवाही देते हुए फरमाते हैं, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 में अल्लाह ने फरमाया शाहिद अल्लाह, अल्लाह सुबहाना ताला गवाही देते हैं कि ला इलाहा इल्ला हुआ, कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं। और सिर्फ अल्लाह ही नहीं, वल मलाइकतु, अल्लाह के फरिश्ते भी गवाही देते हैं, व उलुल इल्म क़ायमन बिल किस्त, कि अल्लाह के फरिश्ते भी इस बात पर गवाही देते हैं, इल्म वाले साहिब इल्म भी इस बात पर गवाही देते हैं कि क्या है, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, उस एक ज़बरदस्त हिकमत वाले रब के अलावा कोई, अल्लाह ने खुद गवाही दे दी। अल्लाह की सारी मखलूक इस चीज़ की गवाही देती। अल्लाह सुबहाना ताला ने इसका हुक्म भी दिया, बारहा कुरान में ये बताया गया। अगर आप देखें तो अल्लाह सुबहाना ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 163 में वाज़ह तौर पर फरमाते हैं वाइलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्लाहुर रहमानुर रहीम, तुम्हारा इलाह एक ही है, तुम्हारा अल्लाह एक ही है, अल इलाह तुम्हारा एक ही है, खास माबूद तुम्हारा एक ही है, रहमान और रहीम के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। गोया जहाँ पे तौहीद का हुक्म है वहाँ पे अल्लाह सुभान व तआला की सिफात कामिला का भी तारुफ करवाया जा रहा है। ऊपर अज़ीज़ुल हकीम कहा गया या रहमान और रहीम कहा गया अल्लाह सुभान व तआला ने। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो सूरह कसस की आयत नंबर 88 में अल्लाह ने वाज़ह तौर पर फरमा दिया वला तदउ, तू ना पुकारना मा अल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह सुभान व तआला के साथ कोई और दूसरा माबूद पुकारना ही ना, सिर्फ वो एक वाहिद रब है, उसके साथ तुम किसी और को नहीं पुकारो, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। यही व युमीतु रब्बुकुम व रब्बुकुम व रब्बु आबाकुम अल्अव्वलीन, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुमसे पहलों का भी रब है। तो ये अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान में बारहा अपने वाहिद होने, अपनी सिफात का तारुफ, बारहा ये तारुफ करवाया। और अगर हम देखें तो सारे के सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सारे के सारे पैगम्बरान इलाही, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ख़ातिमुन्नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया की दावत क्या थी? अगर आप देखें अल्लाह सुबहाना ताला ने नबियों को भेजा उनकी कौमों की तरफ तो उन सब ने क्या कहा, फ़क़ाला या कौमे अब्दुल्लाह, सब नबियों ने अपनी कौम को जब दावत दी थी अल्लाह की तरफ, इस्लाम की तरफ, तो उनकी दावत में पहला नुक्ता और पहला कॉन्सेप्ट क्या था, या कौमी, ए मेरी कौम तुम क्या करो, इबदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरिन, उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं।
तो ये अल्लाह सुभाना ताला का हुक्म हर कौम, हर उम्मत, हर नबी के पैरोकार को, हर पैगंबर के ज़रिए यही हुक्म दिया गया कि तुम क्या करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो और अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी ना करो और किसी और को अपना इलाह ना बनाओ। ये कलमाए तौहीद को मान लेना और अल्लाह वाहिद को मान लेना, इसकी फजीलत कितनी ज़्यादा है। कुछ अहदीस पहले सुन लीजिए, फिर हम इसकी इकसाम पर बात करते हैं कि तौहीद कितनी शक्लों में और कितनी कैफियतों में आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद के हवाले से बुखारी शरीफ में हदीस आती है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खमसिन, के इस्लाम की जो बुनियाद है वो क्या है, वो पांच चीज़ों पर है। सबसे पहली क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहादतन अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, पहली बात बुनियाद जो है वो ये गवाही दें कि अल्लाह एक है, अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और फिर उसके बाद अगली बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वह अकाम सलाता, अगला रुकन क्या है कि वो नमाज कायम करे, और वो क्या करे, वह ईता ज़कता, वो ज़कात अदा करे, वल हज व सौम रमज़ान, और हज करे और रमज़ान के रोज़े रखे। तो ये पांच अरकान जो हैं वो हदीस में बुखारी शरीफ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। इसी तरह अगर हम देखें तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस आती है बुखारी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ बिन जबल को जब यमन का गवर्नर और हुक्मरान बनाकर भेजा तो जो बुनियादी सी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता कर भेजी वो क्या थी, कहा कि जब तुम एक बस्ती की तरफ जा रहे हो और एक कौम की तरफ जा रहे हो जो लोग अहले किताब हैं, यानी ईसाइयों और यहूदियों के वहाँ पे लोग हैं, तो तुम सबसे पहले क्या करना कि सबसे पहले उनको एक अल्लाह की तरफ दावत देना। यानी एक गवर्नर को एक इलाके में भेजा जा रहा है तो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि सबसे पहले उनको एक अल्लाह की तरफ दावत देना, अगर वो ये बात मान लें तो फिर उनको ये बात बता देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये दूसरी बात। फिर उसके बाद अगर वो ये दोनों बातें तस्लीम कर लें तो फिर उनको बताना कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए एक दिन में पाँच नमाजें, एक दिन और रात में पाँच नमाजें फ़र्ज़ की हैं, अगर वो इन पर भी पाबंद और आमिल हो जाएँ तो फिर उनको बताना कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारे मालों में से ज़कात फ़र्ज की है जो तुम्हारे साहिब माल लोगों से ली जाएगी और तुम्हारे फ़कीरों की तरफ लौटाई जाएगी। तो जो ऑर्डर आपने हज़रत माज को बताया उसमें से पहला ऑर्डर क्या है, तौहीद, और फिर उसके बाद अकीदा रसालत, और फिर नमाज, और फिर ज़कात। तो लिहाजा पहली अहमियत जो है वो इसी के हवाले से हमें पता चलता है कि अगर एक गैर मुसलमान शख्स कलमाए तौहीद पढ़ लेता है और अपनी ज़बान से तौहीद का इकरार और ऐलान और कन्फेस उसको मान लेता है तो फिर क्या है, उसके लिए वो जान अपनी मैदान जंग में भी अपनी जान मुसलमानों की तलवार से महफूज कर लेता है। हदीस के अल्फाज हमें मुतफरिक अहादीस से पता चलते हैं कि कलमाए तौहीद की जो सबसे बड़ी फजीलत है वो क्या है, वो गुनाहों से बख्शिश, गुनाहों से बख्श दिया जाना। वो शख्स जो तौहीद परस्त है, जो तौहीद पर ईमान लाता है, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। आज मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर भी दोबारा इस बात को दोहरा दूँ कि आज हम बुनियादी तौर पर तौहीद का तसव्वुर समझेंगे। ये तसव्वुर समझ आएगा तो इंशाल्लाह आगे फिर शिर्क का तसव्वुर समझ आएगा। तौहीद क्या है, जब तक तौहीद समझ नहीं आएगी तो फिर शिर्क का तसव्वुर जो है उसको समझना मुश्किल। तौहीद की अब अगली फजीलत और जो तौहीद परस्त को जो सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा है वो क्या है, उसके गुनाहों की बख्शिश है। हदीस के अल्फाज बहुत ही प्यारे, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ ना, और आप सफ़ेद कपड़े में सो रहे थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा आप उठ कर बैठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और वो इसी हालत में मरा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ला इलाहा कहा और वो इसी कलमे की हालत में, यानी उस कलमे के ईमान और तौहीद की हालत में फौत हुआ तो वो शख्स जन्नत में जाएगा। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी कहते हैं कि साथ ही फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़्वाह उसने ज़िना किया हो या ख़्वाह उसने चोरी की हो। ये तौहीद की अहमियत है कि ये गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाएगी। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी कहते हैं मैंने हैरत में पूछा ख़्वाह उसने चोरी की हो या उसने ज़िना किया हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी कहते हैं कि आपने तीन दफ़ा ये बात दोहराई कि ख़्वाह उसने चोरी की हो और ख़्वाह उसने ज़िना किया हो। ये तौहीद की अहमियत है, ये गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनेगा तौहीद पर जमे रहना और तौहीद को समझना और तौहीद पर आमिल रहना। इसी तरह बहुत ही प्यारी सी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की रवायत से है,
वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला सारी मखलूक के सामने मेरी उम्मत के एक आदमी को लाएगा, यानी उम्मत के सामने एक आदमी उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया जाएगा और उसके सामने उसके गुनाहों के 99 गुनाहों के दफ्तर जो हैं वो रख दिए जाएंगे। हर दफ्तर हद्दे निगाह तक फैला होगा। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उस आदमी से पूछेगा, तू अपने अमाल में से किसी का इनकार करता है? 99 गुनाहों के दफ्तर और अंबार होंगे और एक एक गुनाह का दफ्तर जो है ना वो हद्द निगाह तक फैला होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला उसे पूछेगा, बता तू अपने इन गुनाहों में से किसी का इनकार करता है? तो वो शख्स कहेगा कि नहीं या अल्लाह, मैं इन सब का इकरार करता हूँ। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, अल्लाह हमें उन बदबख्तों में से ना बना दे। तो कहेगा कि नहीं या अल्लाह, मैं सब का इकरार करता हूँ। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि इन गुनाहों के बारे में तेरे पास कोई उज़र है, ये कोई बहाना है तेरे पास कि यू कैन गेट अवे विद इट, तेरे पास कोई उज़र है? वो आदमी कहेगा नहीं अल्लाह सुब्हाना ताला, मेरे पास इन गुनाहों का कोई उज़र भी नहीं है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि अच्छा ठहरो, हमारे पास तुम्हारी एक नेकी और भी है और आज तुम पर जुल्म नहीं होगा। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से कागज़ का टुकड़ा लाया जाएगा जिसमें क्या लिखा होगा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कागज़ के टुकड़े पर लिखा होगा। और अल्लाह ताला उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाएंगे, जाओ नामा आमाल के वजन होने की जगह पर चले जाओ, कि जाओ अब चले जाओ जहाँ पे तुम्हारे नामा आमाल ने तुलना है ना वहाँ पे चले जाओ। तो वर्ज करेगा, या अल्लाह इस छोटे से कागज़ के टुकड़े को मेरे गुनाहों के ढेर से क्या नस्बत होगी कि मैं ये छोटा सा टुकड़ा लेके जाऊंगा, तूने मुझे मेरे गुनाहों के इतने बड़े बड़े दफ्तर दिखा दिए तो इनका आपस में क्या ताल्लुक होगा? तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाएगा, बंदे आज तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा, गुनाहों के ढेर तराजू के एक पलड़े में और कागज़ का टुकड़ा दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा। गुनाहों के दफ्तर हल्के साबित होंगे और कागज़ का टुकड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह सुबहाना ताला हमें ये कलमाए तैयबा पर सही ईमान अता फरमा दे। अल्लाह तौहीद की हकीकत को समझने, इसको सीखने, इसको जानने और अल्लाह सुबहाना ताला इसको सही रंग से अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह ये शिर्क जो छुप छुप के आज हमारे माशरे में, हमारे घरों में और हमारी ज़िंदगियों में रंग कर रहा है, अल्लाह शिर्क को बारीकी से समझ के उसको अपनी ज़िंदगी से उखाड़ के फेंकने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह कलमे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे और अल्लाह मौत के वक्त तक उस पर अमल करना हम सब के लिए आसान कर देना। और अल्लाह मौत के वक्त भी अपनी तौहीद के ईमान की गवाही के लिए हमारी जबानों पर कलमाए तैयबा जारी फरमा देना। फिर एक और बहुत ही प्यारी सी हदीस है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन की रवायत से कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तू जब तक मुझे पुकारता रहेगा, मुझसे बख्शिश की उम्मीद रखेगा, मैं तुझसे सरज़द होने वाले गुनाह जितने भी हो जाए मैं तुझे बख्श दूंगा। ए इब्ने आदम, मुझे कोई परवाह नहीं अगर तू रूए ज़मीन भर के गुनाह लेकर आए और मुझे इस हाल में मिले कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो तो मैं रूए ज़मीन के बराबर भी तुझे मग़फ़रत अता कर दूंगा। ये है तौहीद की अहमियत कि अगर कोई शख्स अपने ईमान में और अपने नामा अमाल में और अपनी ज़िंदगी में तौहीद पर आमिल होकर निकलेगा तो अल्लाह सुबहाना ताला उसके गुनाहों को बख्शिश का परवाना अता फरमा देंगे। अल्लाह हमें तौहीद की फजीलत समझ आ जाए, इसकी अहमियत समझ आ जाए और अल्लाह तौहीद का ईमान हम सब दिलों के दिलों में उजागर हो जाए। इसी तरह बख्शिश के हवाले से आपने एक और जगह फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के लिए एक दुआ ऐसी होती है जो ज़रूरी कबूल होगी। आपको पता है ना कि अम्बिया की दुआ में से एक दुआ ऐसी होती है जो ज़रूरी कबूल होगी। तमाम अम्बिया ने तो वो दुआ दुनिया ही में मांग ली, लेकिन आपने फरमाया मैंने अपनी दुआ क़्यामत के दिन अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए महफूज रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे और आपसे कितनी शदीद मोहब्बत करने वाले, हम सब सोचें कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करते। तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी वो दुआ, आप जरा सोचे ना कि एक दुआ जो यकीनी है आपने अपनी औलाद के लिए खास नहीं कर ली, आपने अजवाज के लिए नहीं कर ली, आपने अपनी और कोई दुनियावी मामले के लिए नहीं, वो दुआ आपने उम्मत के लिए महफूज रखी। मैंने अपनी उम्मत के लिए महफूज रखी है, मेरी शिफात इंशाल्लाह हर उस शख्स के लिए होगी जो इस हाल में मरा कि उसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं किया। समझ आती चली जा रही है तौहीद के अकीदे की अहमियत। तौहीद वो अकीदा है जो गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनेगा। कितने गुनाह अगर हुए भर जमीन के गुनाह भी एक तौहीद परस लेके आएगा तो ये तौहीद उसके गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाएगा। और फिर शिफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको नसीब होगी, जिसने दिल से ला इलाहा का इकरार किया और अमल से अपने उस कलमा तौहीद की तस्दीक की।
اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اس نے لا الہ کا علم یقین کے ساتھ اپنے عمل میں بدل لیا تو وہ شخص ضرور جنت میں جائے گا گناہوں کی بخشش بھی ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور جنت میں داخلہ بھی توحید پرست کا یقینی ہے اسی طرح اب جنت میں جائے گا تو پھر کہاں جائے گا ہاں توحید کو ماننے والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے عرش الہی میں داخلے کا وعدہ ہے قیامت کے دن ساری بگڑی بنا دیتی ہے توحید زندگی کے بعد ہر مرحلے کو آسان کر دے گا یہ توحید کا جذبہ اللہ اس کو سمجھا دے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا ایک سواری پر پیچھے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں حضرت معاذ بن جبل آپ کے ردیف ہیں اور سواری پر پیچھے بیٹھے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے معاذ یعنی آپ نے حضرت معاذ کو آواز دی تو حضرت معاذ نے فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے فرمایا اے معاذ تو پھر حضرت لبیک نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرما بردار حاضر ہے آپ نے تین دفعہ آواز دی اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے گا نا کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کو اس پر حرام کر دے گا یہ ساری فضیلتیں توحید کی پہلی کیا تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا ہم نے دو حدیثیں پڑھی گناہوں کو بخش دے گا اور پھر اللہ نے فرمایا جتنے بھی گناہ لے کر آؤ گے روئے بھر کے زمین کے گناہ لے کر آؤ گے میں وہ بخش دوں گا پھر اس کے بعد ہم نے حدیث پڑھی کہ توحید پر ایمان اور توحید پر ثابت قدمی جو ہے وہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے گی پھر ہم نے حدیث پڑھی کہ توحید پرستی اور توحید پر ایمان لانا کیا ہے وہ کس چیز کا جنت میں داخلے کو یقینی بنانے کا ذریعہ بنیں گی اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو کلمہ توحید پر جمع رہا اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی حالت میں اس نے اپنی جان دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دے گا حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو آگاہ نہ کر دوں کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں کہ مطلب یہ تو بڑا آسان سا بات ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تو میں ان کو نسخہ بتاؤں گا تو لوگ تو بڑے خوش ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لوگ صرف اسی بات پہ تکیہ کر لیں گے یعنی ابھی نہ بتاؤ لوگ بہت زیادہ اسی چیز پر رلائی کر لیں گے اللہ بہت ہی رحمان ہے اور اللہ بڑا غفور ہے اللہ نے جنت کے دروازے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اعمال کی فکر نہیں کریں گے حضرت معاذ کہتے ہیں پھر میں نے اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے نا وہ لوگوں تک نہیں پہنچائی بس صرف مرتے وقت علم کو آگے پہنچانے کے خوف سے میں نے اس کو اپنے ساتھیوں تک پہنچا دیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی ایک حدیث کا خزانہ میرے سینے میں ہی مدفون رہ جائے اور اتنا بڑا خوبصورت سا وعدہ مجھ تک ہی رہ جائے تو میں نے مرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں پہنچا دیے اسی طرح حدیث میں الفاظ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا توحید کے بغیر عبادات بھی قبول نہیں ہوتی اگر توحید کی حالت نہیں ہوگی تو عبادات بھی قبول نہیں ہوگی اور ہدایت سے بھی وہ شخص محروم رہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے اولئک لہم الامن وہم مہتدون یہی لوگ امن میں رہیں گے اور یہی لوگ ہدایت پائیں گے تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دنیا میں قبر میں قشر میں آخرت میں حساب کے دن پل صراط پر اگر وَلَا خَوْفٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی کیفیت چاہتے ہیں تو توحید پر ایمان ضروری ہے اور اگر دنیا میں ہدایت چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کیا ضروری ہے اس کے لیے بھی توحید کا ایمان ضروری ہے اسی طرح ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص توحید پر ایمان نہیں لائے گا وہ شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا تو وہ آگ میں داخل ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کی ایک گناہ ہے نا جیسے ہم نے جس سے بات پچھلی دفعہ چلی تھی اور ہم نے یہ عقیدے کی کلاس شروع کی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں صرف شرک کی ایک چیز ہے کہ اگر اسے تائب ہوئے بغیر تو میرے پاس واپس آئے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا تو لہٰذا شرک کرنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا اسی طرح حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص
तौहीद पर ईमान नहीं लाएगा तो चाहे कितने नेकोकार शख्स के साथ, कितने बड़े सवाले, कितने बड़े शहीद, कितने बड़े नबी के साथ उसका ताल्लुक होगा तो क्या है, उसकी बख्शिश का वादा नहीं है। ऐसे ही है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में जिस शख्स को सबसे कम अजाब होगा, वो किसका तज़किरा है, आपके चचा हजरत अबू तालिब का तज़किरा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा कुर्ब और इतनी शदीद मोहब्बत और इतना सब कुछ, इतनी आपको सपोर्ट, इतनी हेल्प और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ज्यादा कुर्ब कि आप वफात के वक्त तक अपने चचा के सरहाने खड़े होकर कलमाए तौहीद की तरफ माइल करते हुए नजर आते हैं। तो आपने फरमाया कि जो सबसे कम अजाब जिसको जहन्नम में होगा वो शख्स होगा जिसको क्या है, जिसके जूते यानी उसके पाँव के तले अंगारे, जहन्नम के अंगारे रखे होंगे, जिसके साथ उसका सर जो है वो हंडिया की तरह खोल रहा होगा। तो अगर कोई शख्स शिर्क करता है तो जितने नेकोकार से नेकोकार शख्स के साथ उसका ताल्लुक क्यों ना हो और जितने बड़े बड़े नेक अमल उसने दुनिया में क्यों ना किए हों, ये शिर्क करने वाला मुशरिक जो है उसकी बख्शिश का वादा किसी नेकोकार की एसोसिएशन या नेक अमल के बावजूद जो है उसका वादा मौजूद नहीं। और यहाँ तक हमें हदीस से और कुरान से पता चलता है कि कोई मुशरिक, कोई शिर्क करने वाला, उसके लिए कोई कितनी भी दुआएं बख्शिश करता रहे उसके लिए नेकोकारों की बख्शिश की दुआ भी कबूल नहीं होती ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में वाज़े तौर पर कहा गया था कि आप मुशरिकों के हक में दुआ ना करें और अल्लाह ने मुनाफिकों और मुशरिकों, क्योंकि निफाक भी है वो भी एक शिर्क की कैफियत है, इंशाल्लाह आगे चल के बात होगी, निफाक भी एक शिर्क की कैफियत है। तो अल्लाह सुबहाना तआला ने यहां तक फरमा दिया था कि अगर आप उनके हक में 70 दफा भी बख्शिश की दुआ करेंगे तो वो दुआ उनके हक में कबूल नहीं है। और मुशरिकीन के हक में तो बख्शिश की दुआ करने से मना भी किया गया ना, क्योंकि वो उसकी कबूलियत का मामला ही नहीं है, तो ना उसकी खुद गुनाहों की बख्शिश है, ना उसके कोई अच्छा और खैर का काम उसके हक में काम देगा, ना कोई रिश्ता या मनसब, ना कोई कॉन्टैक्ट, ना कोई रिश्तेदारी या ताल्लुक उसके काम आएगा, ना ही उसकी कोई भलाई और खैर के दुनिया के काम आएंगे और ना ही फौत होने के बाद किसी की बख्शिश की दुआ उसके हक में कबूल होगी। यह सारी की सारी अहमियत तौहीद के हवाले से कि अल्लाह सुबहाना ताला हमें कुरान की इनायात और हदीस के हवाले से इसकी अहमियत को समझने और इस पर आमिल होने की तौफीक अता फरमा दे। आप अगर देखें तो ये जो कलमा है ना, इसके बुनियादी तौर पर दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक तो नफी, ला इलाहा। पहली कॉम्पोनेंट क्या है, ला इलाहा, नफी है कि मैं और किसी को इला नहीं बनाती, इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के। तो दो कॉम्पोनेंट्स हैं तौहीद के और कलमाए तैयबा के, एक नफी है और एक निगेशन है, और एक क्या है, एक्सेप्टेंस है, एक इस बात है और एक नफी है। ये दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक में हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह को अपना इलाह बनाएंगे और नफी क्या है, इस अल्लाह के अलावा हम किसी और को इलाह नहीं बनाएंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो तौहीद के लिए लाजिम है। सिर्फ अल्लाह को इलाह बना लेना तौहीद मुकम्मल नहीं करता, बात समझ में आ रही है, अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह ना बनाना तौहीद को मुकम्मल करता है। इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक नफी का कॉन्सेप्ट और एक उसके इस्बात का कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीज़ें जो है ज़रूरी है। अल्लाह सुबहाना ताला कुरान में फरमाते हैं ना, वह मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो तागूत का इनकार करता है और तागूत का इनकार करने के बाद अल्लाह पे ईमान लाता है, उसने क्या कर लिया, फकद इस्तमसका बिल उरवतिल वुस्का, उसने बहुत ही मजबूत कड़ा जो है वो पकड़ लिया, लन फसवामा लहा, उसका तौहीद का कड़ा जिसने पकड़ लिया, जिसने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया, फिर उसके लिए वो उसका हिस्सा जो है वो टूटता नहीं है और उसका कॉन्टैक्ट और उसका बॉन्ड जो है वो दीन के साथ बहुत मजबूत है। तो लिहाजा दो कॉम्पोनेंट जरूरी हैं, एक अल्लाह को मानना और दूसरी बात है अल्लाह के अलावा बाकी सब का इनकार करना, दो चीज़ें बुनियादी तौर पर ज़रूरी हैं अकीदा तौहीद के हवाले से। तौहीद के लिए और अल्लाह को एक मानने के हवाले से जो इतनी ज़्यादा खुशखबरियाँ और इतनी इसकी फजीलत दी गई है कि इस्लाम में दाखिल होने और ये कलमा पढ़ने से पहले और बाद की कैफियत कितनी फ़र्क हो जाती है, पढ़ने वाला मुस्लिम बन जाता है और ना पढ़ने वाला काफिर रहता है, पढ़ने वाले के लिए बख्शिश का वादा है और ना पढ़ने वाले के लिए बख्शिश का कोई तसव्वुर नहीं है, कलमाए तैयबा पढ़ के मान लेने वाले का क्या है, उसके लिए जन्नत है और ना मानने वाले के लिए क्या है, जहन्नम है। यही है ना, इतना ग्रॉस फर्क है। तो ये ग्रॉस फर्क क्या वो 6-7 हरूफ का कह देना ही है, सिर्फ जबान से वो 6-7 हरूफ जो है वो कलमाए तैयबा और तौहीद के वो कलमे जो है उसको प्रोनाउंस कर देने से ये फर्क है।
असल में क्या है वो जो कहने वाले ने कहा ना, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ नहीं। असल बात है कि सिर्फ ये कह देना कि मैं कलमा पढ़ती हूँ और मैं अपने इस्लाम का ऐलान कर दूँ, या मैं तौहीद परस्त होने का ऐलान कर दूँ, या दावा कर दूँ, या दावा करने के बाद अपना नाम वो काफिरों से बदल के अपना नाम तौहीद परस्तों वाला नाम बदलूँ, या तौहीद को मानने वालों जैसा लिबास ओढ़ने पहनने लगूँ, ये सिर्फ ये नहीं है। या मेरा नाम जो है वो मुसलमानों की वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए, या ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई पहले हिंदू है और वो खातून पहले तिलक लगाती थी, बिंदिया लगाती थी, एक ख़ास तरीके से लिबास पहनती थी, वो लिबास छोड़ दे, वो बिंदिया छोड़ दे और वो संदूर अपनी मांग में भरना छोड़ दे, ये ज़ाहिरी हालत का भी नाम नहीं है। ऐसे ही है ना, अगर तौहीद पर ईमान है और कलमाए तैयबा की इस बात और नफी दोनों को माना जा रहा है, तो उसमें सिर्फ जाहिरियत भी नहीं है, सिर्फ दावा भी नहीं है, सिर्फ इकरार भी नहीं है, सिर्फ ऐलान भी नहीं है, उसमें क्या है? कलमाए तैयबा कहने के बाद और तौहीद को मानने के बाद तौहीद परस्त अपने सारे राइट्स सरेंडर कर देता है, वो अपने सारे के सारे इख्तियारात से सरेंडर करके वो सारे के सारे अपनी बाग अपनी डोर किसके हवाले पकड़ा देता है, जिसको अपना इलाका है। ये मेरी डोर है, तू खींचेगा जिस तरफ मैं उस तरफ पलट जाऊंगा, ये मेरी बागें हैं, तू दाएं मोड़ेगा मैं दाएं मुड़ जाऊंगा, तू बाएं मोड़ेगा मैं बाएं मुड़ जाऊंगा। ये है बुनियादी तौर पर जिससे दिलो निगाह बदल जाती है, जिससे सोच बदल जाती है, जिससे अखलाक बदल जाते हैं, जिससे रवैये बदल जाते हैं, बुनियादी तौर पर तौहीद है। वो किसी ने कहा है और बहुत ही खूबसूरत कहा है ना, तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में ये कह दे बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, यानी सारी दुनिया की नाराजगी मोल ले लेना अल्लाह को राजी करने के लिए। मोमिन की मोहब्बत का पैमाना क्या, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हो जाना और उस वाहिद रब की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर गालिब कर लेना, असल में ये है तौहीद का बुनियादी खास। वो रब जो मुझे सबसे, जिसको मैंने मान लिया फिर वो मेरा महबूब बन जाता है और उसकी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब आ जाती है, और फिर उसकी मोहब्बत के लिए फिर मैं उसी को राजी करती हूँ, फिर मैं उसी की नाराजगी से बचती हूँ। ये है बुनियादी तौर पर तौहीद का तसव्वुर। मैं उसी के लिए मोहब्बत करती हूँ, मैं उसी के लिए बुग़्ज़ रखती हूँ, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया ना, वमन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह। वो क्या करता है, फ़कत इस्तकमल ईमान, जो मोहब्बत भी अल्लाह की खातिर करता है, जो बुग़्ज़ और नफरत भी अल्लाह की खातिर करता है, जो देता भी अल्लाह की खातिर है और जो रोकता भी अल्लाह की खातिर है, उसी का ईमान पूरा। ये है तौहीद बुनियादी तौर पर। अगर तौहीद की किस्में देख लीजिए तो तौहीद की पहली किस्म ज़ात, अल्लाह की ज़ात में तौहीद है। दूसरी किस्म अल्लाह की इबादत में तौहीद है। तीसरी अल्लाह के सिफात और अल्लाह के इख्तियारात में तौहीद। तीन चीज़ें याद रहेंगी, बल्कि चार ही होगी ना, अल्लाह की ज़ात में तौहीद, अल्लाह की इबादत में तौहीद, अल्लाह की सिफात और अल्लाह के इख्तियारात। बुनियादी तौर पर सिफात और इख्तियारात जो है ना, उसको हम एक ही ज़ुमरे में लाते हैं। अब इनमें अलग अलग चीज़ें समझ लीजिए कि अल्लाह की ज़ात में तौहीद का मतलब क्या है और वो किस चीज़ का मुतालबा करती है, अल्लाह की इबादत में तौहीद का तसव्वुर क्या है और इबादत की तौहीद हमसे किस चीज़ का मुतालबा करती है, और अल्लाह की सिफात और इख्तियारात में तौहीद का तसव्वुर क्या है और उसका हमसे आपसे मुतालबा क्या है। क्योंकि जब इन मुतालबात की नफ़ी होगी तो तभी शिर्क का आगाज़ होगा। ये बुनियाद समझ आएगी तो हम शिर्क का तसव्वुर समझ पाएंगे। अल्लाह की ज़ात में तौहीद का तसव्वुर ये है जो हमें सूरा अल अख़लास सिखाती है। कुल, कह दीजिए, कुल हो अल्लाह अहद। कल अल्लाह क्या है, अल्लाह एक है। वो क्या है, वो गनी है। लम यलिद व लम यूलद, उसने ना किसी को जना है ना उसको किसी ने जना है। वलम यकुल लहु कुफ्वन अहद, उसके साथ कोई बराबरी करने वाला और उसका कोई शरीक भी नहीं है। वास समद है, उसको ना किसी ने जना है ना उसने किसी को जना है और उसकी कोई बराबरी करने वाला कोई हमपल्ला कोई हमसर कोई शरीक नहीं है। बुनियादी तौर पर तौहीद फिज़ात का तसव्वुर सूरह अख़लास से ही समझ आता है। और वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूरह अख़लास क्या है, ये कुरान का एक तिहाई हिस्सा है। क्योंकि अगर आप कुरान में देखेंगे तो बुनियादी तौर पर तीन अकायद पर ही तो बात है बेसिकली, ज़्यादा अकीदा है तौहीद पर, अकीदा है रसालत पर, अकीदा है आखरत पर। तो 1/3 ऑफ द कुरान एज फार एज अकायद एंड कॉन्सेप्ट्स इज कंसर्न एंड एज फार एज बिलीफ इज कंसर्न, 1/3 ऑफ द कुरान रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स एंड ऑर्डर्स व्हाट, तौहीद। तो जिसने सूरह इखलास को समझ लिया और जिसने सूरह इखलास को पा लिया और जिसने सूरह इखलास को पढ़ लिया, उसने गोया एक तिहाई कुरान को पा लिया।
उसने एक तिहाई कुरान को पढ़ लिया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा इखलास को बहुत कसरत से पढ़ने की ताकीद भी फरमाई और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया ना कि जिसने सूरा इखलास 3 दफा पढ़ी उसको क्या है, उसको कुरान एक दफा पढ़ने का अजर है, क्योंकि एक तिहाई कुरान है। बुनियादी पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो रूट है, जो बुनियाद है दीन की, वो तो सूरा इखलास है, अकीदा तौहीद से शुरू होती है। और इसी तरह वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामत करवाते थे और इमामत में क्या करते थे, इमामत में जब सहाबा इकराम उनके पीछे बाजमात नमाज पढ़ते थे तो वो इमामत करवाते हुए दूसरी सूरतें भी पढ़ते थे, लेकिन एक हर अपनी रकत के अंदर पिछली दूसरी सूरतों के अलावा उससे पहले सूरा इखलास पढ़ते थे। तो सहाबा इकराम ने आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तस्करा किया, बल्कि सहाबा इकराम ने ना पहले उन इमाम को मना भी किया कि आप जब दूसरी सूरतों की तलावत करते हैं तो पहले आप सूरा इखलास क्यों पढ़ते हैं, या आप मत करें, आप सिर्फ तलावत ही करते रहें। तो मामला फिर वो खुद मना होने से जब बाज वो नहीं माने तो फिर मसला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और पूछा कि आप ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह दरियाफ्त फरमाई कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ये परमिसिबल है, ये किया जा सकता है। तो आपने वजह पूछी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन सहाबी ने जो इमामत करवाते थे और इमामत में हर रकत में पहले सूरा इखलास पढ़ते थे, उन्होंने अपनी उस सूरा इखलास के पढ़ने की वजह क्या बताई थी। आपने बताया था कि मामला क्या है कि मुझे सूरा इखलास से बहुत शदीद मोहब्बत है, तो आपने क्या फरमाया था, गवाह रहना तुम्हारी सूरा इखलास से ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल करा देगी। तो असल में सूरा इखलास क्या है, हमारा तौहीद का शौक है, हमारा तौहीद की तरफ शगफ है, अल्लाह को वाहिद मानने की हमारी डिज़ायर है, और फिर उसको सीखने का इल्म है। तो यही इंशाल्लाह जन्नत का जरिया और जन्नत का रास्ता है। बहरहाल तौहीद फिर ज़ात का तसव्वुर जो है वो पूरे का पूरा हमें समझ आ जाता है इसी सूरा इखलास से, कुल हुवल्लाहु अहद के तसव्वुर से, कि अल्लाह सुभान व तआला एक है और उसके ना कोई वालिदैन है, यानी माँ और बाप नहीं है जिन्होंने उसको पैदा किया, फिर उसकी कोई साथी नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है, फिर उसकी कोई औलाद, उसका कोई बेटी बेटा नहीं है, उसके कोई बहन भाई नहीं है, उसके कोई हेल्पर्स नहीं है, कोई सपोर्टर्स नहीं है, कोई नायब नहीं है, कोई हमसर नहीं है, कोई हमपल्ला नहीं है, कोई बराबरी करने वाला नहीं है जो उसकी बराबरी करके उसके सामने खड़ा हो सके। और फिर वो जो हमें आयतुल कुर्सी भी सिखाती है कि उसको क्या है, ना उसको नींद आती है, ना उसको ऊँग आती है, ना उसको थकावट आती है, कि हम कहें कि ये तो हमारे मसाइल है ना कि हमें नींद और थकावट आती है, और जब हमारे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाती है तो हमें कोई सपोर्टर चाहिए होता है कि हमारे पीछे उस काम को बागडोर संभाल ले। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला को क्या है, अल्लाह सुबहाना ताला को ना नींद सताती है, ना ऊंग सताती है, और उसको कोई अपने पीछे से कोई केयर टेकर, कोई जानशीन, कोई हिफाजत करने वाला, कोई हेल्पर सपोर्टर नहीं चाहिए। तो बुनियादी तौर पर अल्लाह की जात में शिर्क यही है, ना कोई बेटा ना कोई बेटी। जैसे आगे चल के हम शिर्क की बात करेंगे कि अहले किताब ने कैसे शिर्क किया, ईसाइयों ने कैसे किया, यहूदियों ने कैसे किया, मुशकीन कैसे करते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाते थे। तो ये तौहीद है कि ना वालदैन है, ना बेटा बेटी है, ना कोई बीवी, ना कोई जौज, ना कोई बहन भाई, ना कोई हमसर, ना कोई हमपल्ला, और ना ही कोई बराबर। इसी तरह तौहीद के हवाले से, अल्लाह की जात के हवाले से ये भी अहम है कि ये भी तसव्वुर, जैसे ईसाइयों का तसव्वुर है कि अल्लाह 3 में 1 नहीं है और 1 में 3 नहीं है। वो जो ईसाइयों का अकीदा है तस्लीस है ना, वो 3 गॉड्स का तसव्वुर अकीदा है तौहीद में ये भी है कि अल्लाह 3 में 1 नहीं है और 1 में 3 नहीं है। फिर 3 कॉन्सेप्ट्स आपने शायद नाम सुना होगा, मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा बताती चलूँ, ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस औकात, लेकिन ये एक तसव्वुर है जो हमारे हाँ कुछ लोगों के यहाँ मौजूद है। तो इसकी भी नफ़ी करना तौहीद के हवाले से लाजिम है। वहदतुल वजूद, अकीदाए वाहदतुल वजूद क्या है कि कुछ लोगों का ये तसव्वुर है कि अल्लाह सुबहाना ताला वो बाबरकत ज़ात अपनी हर मखलूक में मौजूद है, इसको अकीदाए वाहदतुल वजूद कहा जाता है। ये तौहीद के बरखिलाफ अकीदा है, ये अकीदा तौहीद की नफ़ी करता है। अल्लाह सुबहाना ताला की बाबरकत ज़ात हर चीज़ में मौजूद नहीं है, हाँ उसका अक्स है, वो उसकी पहचान है, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला की अपनी ज़ात और उसका अपना नूर और उसकी अपनी ज़ात में से कोई चीज़ उस हर मखलूक के अंदर मौजूद नहीं है। ये अकीदाए वाहदतुल वजूद है, ये नफ़ी कर देता है तौहीद की, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, ये तौहीद परस के लिए अकीदा दुरुस्त नहीं। दूसरा अकीदा वाहदतुश्शुहूद है, और उसका तसव्वुर ये है कि अल्लाह सुबहाना ताला किसी बंदे की ज़ात के अंदर नूर में नूरुल्लाह, कि अल्लाह के नूर में से कुछ नूर कुछ लोगों की शख्सियत का हिस्सा, उनकी पर्सनालिटी, उनके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। अल्लाह सुबहाना ताला अपने किसी बंदे के अंदर
मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मदगम हो जाते हैं। ये है अकीदा वहदतुश्शुहूद का। ये अकीदा भी क्या है? ये जो अकीदा है, ये वहदतुश्शुहूद का अकीदा, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे माशरे में कहीं कहीं ये अकायद राइज हैं। आज तसव्वुफ के नाम पर और कुछ औलिया अल्लाह के हाथ से ये अकीदे राइज हैं, इसलिए मैं इनको नेगेट कर रही हूँ। ये वहदतुश्शुहूद का अकीदा, ये भी तौहीद के बरखिलाफ है और उसके मनाफी। इसी तरह एक और अकीदा जिसे अकीदा हलूल कहा जाता है कि बंदा अल्लाह सुबहाना तआला, उसमें ऊपर वाले में ये था कि बंदा अल्लाह के साथ मदगम हो जाता है, इसमें क्या है, अल्लाह बंदे के अंदर मदगम हो जाता है। ये दोनों अकीदे और दोनों तसव्वुरात क्या हैं? अल्लाह ताला का बंदे के अंदर हलूल कर जाना। आज हमारे माशरे में कुछ औलिया अकराम और कुछ जो बुजुर्गों को ये सारे मामलात और वो दर्जात दे दिए जाते हैं, ये बसा औकात इस अकीदा हलूल के हवाले से दिए जाते हैं। ये अकीदा हलूल कि अल्लाह सुभाना ताला अपने किसी बंदे के अंदर हलूल हो जाता है, जम हो जाता है, मदगम हो जाता है, ये अकीदा भी अकीदा तौहीद के मनाफी है। तो गोया ये अल्लाह की ज़ात में तौहीद का तसव्वुर कि अल्लाह के कोई और पार्टनर्स या ऊपर नीचे नस्ल के अंदर कुछ नहीं है। फिर अल्लाह सुभाना ताला तीन खुदाओं में से एक खुदा नहीं है और एक खुदा में से तीन खुदा नहीं है। ये तसव्वुर अकीदा वहदत वजूद, अकीदा वहदत शहूद और अकीदा हलूल, ये सब किसके खिलाफ है जी? ये सारे के सारे जो हैं, जैसे आज बसा औकात वो तसव्वुर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदा रिसालत में भी मैं वजाहत से बात करूंगी, बशरियत के तकाजे से बुलंद करके अल्लाह के नूर का एक हिस्सा बना दिया जाता है। ये तसव्वुर अकीदा तौहीद के बरखिलाफ है। अगला तरीका और अगली तौहीद जो है अल्लाह सुभाना ताला की इबादत में तौहीद। हमारे माशरे में और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह सुभाना ताला की जात में शिर्क का तसव्वुर बहुत कम नजर आता है और अल्लाह की जात में तौहीद के तसव्वुर की पहचान वाज़े तौर पर मौजूद है। हर उम्मत के मुख्तलिफ ग्रोहों में जो सबसे बड़ा तौहीद की कमी है वो तौहीद फिल इबादात ही में नज़र आती है। जो शिर्क की शक्ल नज़र आती है वो तौहीद फिल इबादात की कमी, शिर्क फिल इबादात की शक्ल में नज़र आती है। तो इबादात में तौहीद क्या है? इबादात में तौहीद ये है कि इबादात खालिसतन अल्लाह के लिए की जाएगी। इबादात में तौहीद क्या है कि इबादात खालिसतन अल्लाह ही के लिए किए जाएंगी, अल्लाह के अलावा और किसी के लिए इबादत नहीं की जाएगी। इबादत का तसव्वुर बुनियादी तौर पर क्या है? इबादात आपको मालूम है कि तीन किस्म की है, बहुत दफा मेरे से सुनते हैं, इबादात जिस्मानी इबादत है, फिर इबादात माली इबादत है और इबादात रूहानी इबादत, ऐसे ही है ना इबादत। तो पहली इबादत अगर आप करें, जिस्मानी इबादत कौन कौन सी हैं? नमाज, रोज़ा, हज, जिहाद, हिजरत, ये जिस्मानी इबादत है, इसमें जिस्मानी मुशक्कत है। अगर आप माली इबादत का मामला देखें तो ज़कात, सदकात और हज के अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ माली इबादत का अंसर मौजूद है। ज़ाहिर है माल के बगैर हज उमरा नहीं होता, ऐसे ही है ना। रूहानी इबादत में क्या है? शुक्र है, तकवा है, अल्लाह का खौफ है, तवक्कुल है, कनात है, सब्र है, ये सब क्या है? ये रूहानी इबादत है। तो ये सारी की सारी इबादत, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो माली है, चाहे वो रूहानी है, ये सब किसके लिए होंगी जी? ये खालिसतन अल्लाह के लिए होंगी। वो जो अल्लाह सुबहाना ताला ने मकसद जिसलिए इंसान को बनाया वो क्या है? अल्लाह सुबहाना ताला सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में फरमाते हैं ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने हमें बनाया ही अपनी इबादत के लिए, और ये इबादत किसके लिए होगी? मकसद तख्लीक मेरा और आपका तभी पूरा होगा जब हम इबादत खालिसतन अल्लाह सुबहाना ताला की करेंगे। अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरह निसा की भी आयत 36 में फरमाया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो। यानी इबादत भी खालिसतन सिर्फ अल्लाह की करनी है और उसके अलावा किसी और की नहीं करनी। इसका मतलब क्या है? इबादत के पीछे नीयत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इबादत के पीछे नीयत, गरज और मकसद क्या होना ज़रूरी है, ये बुनियादी तौर पर उस इबादत को अल्लाह के लिए बना देगा। वो जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है ना, मुखलसीन लहुद्दीन, अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर देना, और सिर्फ मुस्लिम हनीफ सिर्फ इबादत अल्लाह के लिए करता है। यानी ये सारी की सारी इबादत
जो मैंने आपको जिस्मानी माली कौली बताई, ये सारी के सारी इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अतात के लिए होंगी, सिर्फ अल्लाह की बात मानने के लिए होंगी, अल्लाह को राजी करने के लिए होंगी, अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए होंगी, और अल्लाह की सजाई हुई जन्नत के हसूल और अल्लाह की भड़काई हुई जहन्नुम से निजात के लिए होंगी। ये होगा मकसद सारी इबादत का। नमाज पढ़ेंगे तो अपने शौहर की मानने या अपनी माँ की मानने के लिए नहीं, किसकी मानने के लिए? अल्लाह की मानने के लिए। समझ आई ये बात? अतात इबादत में क्या होगा? मकसद अतात अल्लाह का होगा। नमाज अपने शौहर की मानने के लिए या अम्मा की मानने के लिए या बाप की मानने के लिए नहीं, नमाज होगी अल्लाह की मानने के लिए। नमाज अल्लाह को राजी करने के लिए या सारी इबादत अल्लाह को राजी करने के लिए होंगी, अम्मी को राजी करने के लिए नहीं होगी, शौहर को राजी करने के लिए नहीं होगी, बरादरी को राजी करने के लिए नहीं होगी। इबादत अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए होंगी। बस औकात घरों में वालिद बहुत सख्त होते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा डांट डपकार और मार पीट तक मामला पहुंच जाता है बेनमाजी औलादों का, तो नमाज बाप की नाराजगी से बचने के लिए नहीं होंगी। किसकी नाराजगी से बचने के लिए होंगी? खालिसतन अल्लाह की नाराजगी से बच। ये है वो तारुफ जो हमें अपनी औलादों को बुनियादी तौर पर करवाना है। ये सारी के सारी इबादत अल्लाह की जन्नत को हासिल करने और जन्नत का नफा हासिल करने के लिए होंगी, ये दुनिया के नफे हासिल करने के लिए नहीं होंगी। ये इबादत अपनी नेक नामी, अपनी शोहरत, अपनी भलाई और अपनी खैर के चर्चे और डंके बजाने के लिए नहीं होंगी। जैसे हज पे हज करके अलहाज का नाम देके अपने आप को बिजनेस में बड़ी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर दी जाती है, बात समझ में आ रही है ना आपको? इबादत का मकसद दुनिया की भलाई और दुनिया की खैर और दुनिया के नफे पाना नहीं कि मैं बड़ी नेक मशहूर हो जाऊंगी और मेरी शोहरत बड़ी अच्छी हो जाएगी, मेरी क्रेडिबिलिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी, मेरा बिजनेस बड़ा बढ़ जाएगा, मुझे रिश्ते बड़े अच्छे मिल जाएंगे। नहीं, दुनिया की भलाई के लिए नहीं, आखिरत की भलाई की नीयत से की जाएगी और दुनिया के नुकसान से बचने के लिए नहीं, जहन्नम से बचने के लिए की जाएंगी। ये है अल्लाह की जात में, अल्लाह की इबादत में तौहीद का तसव्वुर। बात समझ में आ गई है? यानी नमाज या इबादत सिर्फ अल्लाह की अतात के लिए होंगी, अल्लाह को राजी करने के लिए होंगी, उसकी नाराजगी से बचने के लिए होंगी, उसकी जन्नत में जाने के लिए या उसके जहन्नम से बचने के लिए होंगी, और कोई अल्टीरियर मोटिव, कोई गरज, कोई मकसद, कोई और चीज होगी ही नहीं। ये है इबादत। जैसे अल्लाह सुबहान ताला कुरान में फरमाते हैं ना, सूरा बकरा में अल्लाह सुबहान ताला ने आयत नंबर 237 में अल्लाह ने फरमाया, हाफिज़ु अलस्सलावात, अपनी नमाजों की हिफाजत किया करो, और क्या किया करो, वस्सलातिल वुस्ता व कूमु लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए बरदार बन के खड़े हुआ करो, लोगों को दिखाने के लिए अपने नमाजी के मैं नमाज पढ़ रही हूं, लोगों के लिए नहीं, किसके लिए? कुमुलिल्लाहि क़ानितीन। तो अल्लाह सुभान व तआला ने इबादत का तसव्वुर दिया कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करनी है? अल्लाह के लिए करनी है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है। इसी तरह ये तो नमाज और रोजे की बात हो गई, हज किसके लिए करना है? हज भी खालिसतन अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने गुनाहों की बख्शिश और अपनी मैल कुचैल दूर करने के लिए करना है। माल किसके लिए खर्च करना है? माल भी खालिसतन अल्लाह की राह में जब सदका होगा, खैरात होगा, तो एक तो अपने दिखावे, नमूदो नुमाइश, रिया और सखावत के लिए नहीं होगा, और माल सिर्फ अल्लाह के लिए होगा, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए, किसी गैर अल्लाह के लिए, किसी नेकोकार के लिए माल खर्च नहीं होगा। ये क्या है? कोई बड़े से बड़ा वलीउल्लाह, कोई बड़े से बड़ा नबी, कोई बड़े से बड़ा शहीद, नबी, नबी की औलाद, नबी के नवासे, किसी के लिए माल खर्च नहीं होगा। ये तौहीद है, ये इबादत में तौहीद है। जब हम माल खर्च करें किसी गरीब को, किसी मस्कीन को, किसी फकीर को, किसी मोहताज को, तो अल्लाह की इबादत में तौहीद यह है कि माल सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह के नाम पर खर्च किया जाएगा, अल्लाह के नाम के अलावा और किसी के नाम पर खर्च नहीं किया जाएगा। ये माली इबादत में तौहीद है। नजर, न्याज, मन्नत, मुराद, चढ़ावा, इंशाल्लाह शिर्क का तसव्वुर आके आएगा। यहां तक इबादत का तसव्वुर समझ आया कि ये सब की सब जो है वो अल्लाह के लिए होंगी। दुआ क्या है? दुआ भी इबादत है। दुआ किससे मांगनी है? अल्लाह सुबहान तआला कुरान में फरमाता है, क़ाल रब्बुकुम उद्उनी, रब कहता है मुझे पुकारो, फस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। तो दुआ भी सिर्फ इबादत में, इबादत में तौहीद का अगला तसव्वुर क्या है? नमाज, रोजा, जक़ात, हज, खर्च किया हुआ माल भी खालिसतन अल्लाह के लिए होगा, और फिर दुआ भी खालिसतन अल्लाह ही से मांगी जाए,
अल्लाह के अलावा और किसी से दुआ नहीं मांगी जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झोली नहीं फैलाई जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी और से हाजत रवाई नहीं की जाएगी। ये क्या है? ये तौहीद फिल इबादत। तवक्कुल किस पर किया जाएगा? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 160 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, तवक्कुल भी उसी पर। रूहानी इबादत है तवक्कुल, भरोसा भी उसी पर होगा, भरोसा भी उसी पर होगा और शुक्र भी उसी का होगा, जिक्र भी उसी का होगा, यकीन भी उसी पर होगा, उम्मीद भी उसी से होगी। राजी करने का शौक किसको होगा? राजी करने का शौक भी उसी को होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं ना, वो लोग जो युरीदून वजहिल्लाह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो अल्लाह की रजामंदी को तलाश करते हैं, जो दुनिया की रजामंदी को तलाश करते हैं वो फला पाने वाले नहीं है, जो अल्लाह की रजामंदी को तलाश करते हैं वो फला पाने वाले। ये सब तसव्वुरात जो है तौहीद के, डरना किसका है, खौफ किसका? अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह बकरा में फरमाते हैं, वला तख़्शौहुम वख़्शौनी लियुतिम्म निअमती वलअल्लकुम तहतदून। लोगों से डरना छोड़ दो, खशियत करना, खौफ करना सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मुझसे डरो, सिर्फ मुझसे डरो, और मुझसे डरोगे तो मैं अपनी नेमतें भी तुम पर पूरी करूंगा और तुम्हें हदायत भी दूंगा। तो लिहाजा दुआ भी अल्लाह से, खौफ भी अल्लाह से, तकवा भी अल्लाह से, नमाज भी अल्लाह के लिए, रोज़ा भी अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, और सारी की सारी इबादत, ये क्या है जी? ये तौहीद फिल इबादत है। आज बेसिक कॉन्सेप्ट रासिक होगा तो अगले सेशन में जब हम इनका बिगाड़ पढ़ेंगे तो तभी वो बिगाड़ समझ आएगा। आज समझ में आ रही है ना? अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा तो फिर मेरे पास वही सवाल आते रहेंगे, नहीं वैसे कब्रों पर देख करने का क्या कसूर है, क्या हरज है? आज तौहीद समझ आएगी तो कल शिर्क की पहचान होगी, ऐसे है कि नहीं है? तो ये क्या है? तौहीद इबादत में तौहीद। पहले आपने देखा अल्लाह की जात में तौहीद, दूसरा हमने देखा अल्लाह की इबादत में तौहीद, तीसरी शक्ल तौहीद की अल्लाह की सिफात और उसके इख्तियारात में तौहीद। अल्लाह की सिफात, मुख्तलिफ सिफात आप कुरान में सुनते हैं, अल्लाह सुब्हानहु ताला कुरान में खुद फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, कि अल्लाह सुब्हानहु ताला के बड़े ही अच्छे सिफाती नाम हैं, उसको उन नामों से पुकारो। तो गोया यही वो सिफाती नाम है जो सारे के सारे, वो सिफात किस में? अल्लाह के अलावा वो सिफात और किसी में नहीं। जितने भी सिफाती नाम देख लीजिए, उन सारी सिफात को खालिसतन अल्लाह ही के साथ मंसूब कर, अल्लाह के साथ मंसूब करना, एक तो ये कि अल्लाह की वो सिफत मानना, और फिर ये मानना कि ये सिफत सिर्फ अल्लाह में, उसके अलावा दो कॉम्पोनेंट्स हैं। बात समझ में आई? एक तो ये कि ये मानना कि मेरे रब में ये सिफत है, और दूसरा ये मानना कि ये सिफत सिर्फ मेरे इलाह में है, इसके अलावा कोई नहीं। ये है अल्लाह की सिफात और अल्लाह के इख्तियारात में। जैसे अल्लाह सुब्हानहु ताला क्या है? अल अलीम है। इस वेट पे आपको बहुत ही अल्लाह की सिफात आती हैं, अल्लाह अलीम है, समी है, खबीर है, बसीर है, हकीम है, ये सब अल्लाह की सिफात आती हैं। अब जब अल्लाह सुब्हानहु ताला की ये सिफत इस वजन पे आ रही होती है ना कि अल्लाह अलीम है, तो अलीम का मतलब क्या होता है? अलीम मानने वाला, तीन चार चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कि सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है, अलीम रब वो है, एक तो ये कि सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है, नो डाउट अलीम वो है जो मुबालगे की हद तक इल्म रखता है, और इतना इल्म रखता है कि वो इल्म और किसी के पास है ही नहीं। नंबर वन, अलीम मीन्स दिस। सेकंड, व्हाट डज अलीम मीन? कि ये जो इल्म अल्लाह के पास है वो खुद से खुद है। अलीम वो जात है जो अपने इल्म के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। तीसरी सिफत अलीम का तीसरा मतलब ये है कि अलीम वो जात है जिसका इल्म कोई हद नहीं है, अब्द से लेके अजल तक हर चीज का इल्म है। और फिर अलीम वो जात है जो बाकी तमाम जातों से ज्यादा इल्म वाला, ये अलीम का पूरे का पूरा मतलब है। समझ आया बात? अलीम वो जात है जिसके पास सारे अलूम है, अब्द से लेके अजल तक अलूम है। अलीम वो जात है जिस वक्त, जिसके पास जब किसी के पास नहीं था तब भी उसके पास था, और जब किसी के पास नहीं होगा तब भी उसके पास होगा, और वो अपने इल्म के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इंसान का इल्म कैसा है? किसी इंसान साहिब बड़ा, बहुत बड़ा आलिम है, 60-70 के बाद हाफजा ख़त्म होने लगता है, ऐसे है कि नहीं? और इल्म उठने लगता है, घटने लगता है। और फिर इंसान के पास इल्म होगा तो एक शोबे का इल्म होगा, डॉक्टर बहुत सारी ज़िंदगी पढ़ता है, लिखता है, एक ENT स्पेशलिस्ट बन जाता है, क्या उसको दिल के अमराज का
इल्म होता है? नहीं होता ना, उसको आँख के अमराज का इल्म है, बस वो एक इल्म का स्पेशलिस्ट, और हद से हद क्या है, दो इल्म का स्पेशलिस्ट हो जाएगा, और क्या है, बस सिर्फ वो मेडिसिन की एक आँख, एक दाई आँख और एक बाई आँख और दैट्स इट, और सारी ज़िंदगी लग जाती है अभी। हालांकि फिर भी वो इल्म जो है वो नाकिस थोड़ा और कम होता है। तो ये अल्लाह है जिसका इल्म सबसे ज़्यादा है, और सिर्फ वही है जिसके पास हर चीज़ का इल्म है, और वो है जिसका इल्म, इंसान के पास इल्म किसी किताब के वसीले से, किसी उस्ताद के वसीले से, किसी अगले किसी पिछले के वसीले से पहुंचता है, लेकिन अल्लाह को इस इल्म के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं। यही है अस्समी, यही है अलबसीर, यही है अलखबीर। तो अल्लाह की जो सारी सिफात हैं, इनको इस शक्ल में पहचानना कि ये सिफात सिर्फ उसकी हैं और उसके अलावा और किसी की नहीं है, ये है अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के इख्तियारात में शिर्क। राज़िक वो है, रिज़्क़ कौन दे सकता है उसके अलावा, एक तो देता वो है और दूसरा उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। आलिमुल गैब वो है, नंबर वन मतलब वो गैब को जानता है, दूसरी बात उसके अलावा और गैब को कोई नहीं जानता। ये है अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के सिफात में तौहीद। वो अलीमुम बिज़ाते सुदूर है, मेरे दिल के सीनों के राज को जानता है, वो जानता है, दूसरी बात उसके अलावा और कोई नहीं जानता। ये सारे का सारा तसव्वुर ये बुनियादी तौर पर तौहीद है। अब दोहरा लीजिए, तौहीद क्या है? तौहीद क्या है? अल्लाह की ज़ात में तौहीद। दूसरा तौहीद का तसव्वुर और ज़ात की तौहीद में ये याद रखना है कि ना कोई बंदा अल्लाह में खलूल होता है, ना अल्लाह बंदे में खलूल होता है, और ना अल्लाह अपनी मखलूक में खलूल होता है। ये भी तौहीद है अल्लाह की ज़ात का। दूसरा तौहीद का तसव्वुर अल्लाह की इबादात में तौहीद। अल्लाह की इबादात में तौहीद क्या है? चाहे वो मेरी जिस्मानी इबादात हैं, चाहे वो मेरी माली इबादात हैं, चाहे वो मेरी रूहानी इबादात हैं, मैं वो सारी की सारी इबादात क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मख्याया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरी सारी नमाजें, मेरा रोज़ा, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी नमाजें, सब किसके लिए? ये है ये जो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मख्याया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये है बुनियादी तौर पर अल्लाह की इबादात में। मैं नमाज पढ़ूंगी उसको राज़ी करने के लिए, नमाज रोज़ा ज़कात हज में दूंगी उसको राज़ी करने के लिए, उसकी अताअत करने के लिए, उसकी नाराज़गी से बचने के लिए, उसके जन्नत के दरवाज़ों से दाखिल होने के लिए, अपनी दुनिया को जन्नत बनाने के लिए नहीं, आखरत की जन्नत पाने के लिए और आखरत की जहन्नम से बचने के लिए। ये है तौहीद इबादात में। और माल में मैं माल सिर्फ उसी के लिए खर्च करूंगी, किसी और का गरज, किसी और का नाम, किसी और की नियत, किसी और का इरादा भी नहीं करूंगी, ये इबादत की तौहीद। और फिर अल्लाह की सिफात में तौहीद कि वो सारी के सारी जो अस्माए हसना की सिफात हैं उनको अल्लाह के साथ मंसूब किया जाएगा और अल्लाह के अलावा और किसी के साथ मंसूब नहीं किया जाएगा। आलिमुल गैब वो है, किसी और के साथ गैब का इल्म मंसूब कर लिया तो तौहीद की नफी होगी। मैं ये इसलिए आज समझा रही हूँ कि फिर उसके बाद आएंगे किसी को हाथ दिखा लिए ऐसी कौन सी बात है, किसी से अगले दिन का जायचा पता कर लिया कौन सी ऐसी बात है, जब हमें तौहीद नहीं समझ आएगी तो शिर्क समझने आएगा। अल्लाह सुभाना ताला आज का ये सेशन हमारे ईमान में इजाफे, हमारे अकीदे की इस्लाह दुरुस्तगी, और अल्लाह सुभाना ताला हमारे इस्लाह अकीदा का जरिए और वसीला बन जाए, और अल्लाह सुभाना ताला हमें तौहीद परस्त और सही तौहीद के अकीदे को पकड़ने, समझने और लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तेरी तरफ पलट रहे हैं, अल्लाह अपना बना ले, अल्लाह अपना बना ले, अल्लाह अपने काम का बना ले। अल्लाह तौहीद की तौफीक अता फरमा दे, अकीदों की इस्लाह फरमा के अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।